क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जो कि है बॉय विद बिलियन स्टोरीज। तो आज हमारा दूसरा दिन है कसौली में और मेरे दोनों दोस्त अब तक सो रहे हैं। अब तक मेरे ख्याल से 8 बजने वाले हैं, लोगों को पता नहीं है टाइम की वैल्यू। दोनों एकदम देखो ये कह रहा और ये दूसरा भाई लगा हुआ अब तक सो रहा है। देखो ये भाई ऐसा, उठ जाओ दुनिया जाग गई है। फटाफट से तैयार होते हैं और चलते हैं घूमने, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। बने रहिएगा व्लॉग में। गुड नाइट। ये देखो जी गुड नाइट, अभी एक इधर आ हो गया है एक इधर हो गया। मेरी तो मैं उठ गया तो फिर उठ गया, उसके बाद दोबारा तो उठ गया तो मैं उठ गया, मैं तो उल्लू। हाँ मैं उल्लू ही हूँ। तो जब देखते कब निकलेंगे। हम खा रहे हैं ब्रेड बटर और कॉफ़ी साथ में, और भाई व्यू का मज़ा लेते हुए एकदम सन बात ले रहे हैं। इसको कहते हैं हम पहाड़ों का सुख। पीछे व्यू देखो, यहाँ कॉफ़ी और साथ में हमारे ब्रेड बटर है, साथ में भाई है। कोई बात नहीं, कर रहे हैं जो है, निकलेंगे भी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तैयार हो चुके हैं, अब दिन का सफ़र शुरू हो गया है। ये दोनों भाई कुछ गाड़ी में देख रहे हैं, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं सफ़र पे। तो आओ चलो देखते हैं कैसा है ये हिल स्टेशन कसौली। हाँ जी। यस सर। कैसा लग रहा है? ऑल गुड। नहा धो के बढ़िया लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। सुंदर बन के हैं? सुंदर तुम पहले थे। आए अफसर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है नागपाल स्टड बॉय। और होटल से निकलते ही हो गई हमारे साथ ट्रेजेडी। तो जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने गए थे वहाँ तो ब्रेकफास्ट ही ओवर हो गया। तो चलते हैं रास्ते में कहीं देखते हैं, करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हमने सोचा निकलते हैं यहाँ से और रास्ते में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें वैली का व्यू देखा जो कि बहुत शानदार था। व्यू देखते देखते ही हमें एक दिखा रेस्टोरेंट जो था जायका इन कसौली, तो हम वहीं रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। भाई रहने दे, उसको मत दे तू। चल भाई तू भाई की तरफ थोड़ी भी ले हुई है, कोई बात नहीं। ऐसे ठंडी कम है, थोड़ी सी ठंडी कम है। सामने तो इसमें ना ऑमलेट भाई बटर मिल्क है आज, और भाई खा रहा चिकन सैंडविच पूरी, बड़े सही अच्छे से टैम्पटिंग से लग रहे हैं। तो खाएंगे कब? फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई? भाई थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे मैं भी शो ऑफ कर लूं। ओहो फ्लेक्स। तो ब्रेकफास्ट कर लिया ठीक ठीक टाइम, मतलब पहाड़ों में आके आप सोचो कि बहुत बढ़िया खाना मिलेगा दिल्ली जैसा, वो तो मुश्किल है भाई, है ना भाई? पहाड़ों में आके बैग ही छोड़ा अपना। ओहो देखो जी क्या हो गया हमारे साथ। क्या करते, क्या सामान था इसके अंदर? इसमें सब सूझ सामान था जो कि हमें जरूरत की चीजें हैं सारी। इसमें जरूरत में क्या क्या आता है तेरे? बहुत कुछ है वैसे तो। ऑल गुड ऑल सेट, ऑल गुड ऑल सेट। मिस्टर जैन इज नॉट फीलिंग वेल, सो वी आर चेंजिंग द प्लान। तो हमने जैन साहब को वापस उतारा होटल और हम निकल गए थे अपने सफर पे आगे। तो हमने एक डेस्टिनेशन डिसाइड की वहाँ जाने के लिए। तो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी और मतलब ट्रैफिक इक्वलेंट पड़ गया था रास्ते में। बट ड्राइव करने में कैसा लग रहा है? खतरनाक खतरों के खिलाड़ी वाला सीन एक कार वो गलत स्टेप और गाड़ी आपकी। तो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ की जो हमने पिक्चर्स देखी थी गूगल पे वो कुछ ऐसी थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसा नज़ारा था कुछ। तो हम वहीं से उसको देख के वापस हो गए। तो वहाँ से वापस आने के बाद हमने देखी मोहन्स मैक एंड डिस्टलरी, जहाँ पे हमारी फेवरेट ओल्ड मॉन्क भी बनती है। फिर हमने वापस उठाया जैन साहब को होटल से जो कि अब बहुत ठीक हो गए थे, और हम निकल गए माल रोड की तरफ। So my friend Aman is back,
on the track. He is now feeling well, है ना? Yes, bro. And Nagpal is all around every time. So now we are exploring कसौली की माल रोड. तो आप दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे. हिंदी इंग्लिश में किस हो गई मगर अच्छी बात है. कुछ खा लें? हाँ खाते हैं. चलो. तो कसौली की माल रोड कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी. यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी और वहाँ से हमने कुछ लिया तो था नहीं, बट हमें भूख थी तो हम वहाँ पे तिब्बतन क्विज़ीन के रेस्टोरेंट में घुसे, जहाँ पे हमने कुछ अच्छा सा ऑर्डर किया. नागपाली ऑर्डर कर पाया क्योंकि मैं तो उन चीज़ों के नाम पढ़ भी नहीं पा रहा था ना स्पेल कर पा रहा था, तो नागपाल जी ने ही ऑर्डर किया यहाँ पे. तो भाई क्या क्या ऑर्डर किया है? एक चिकन मक्खन और एक चिकन चौपा. तो दो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, अब देखते हैं कैसी होंगी. तो यार चाइनीज है तिब्बतन, तिब्बतन कुछ. और ये लोग वैसे ही मोबाइल मोबाइल फ्रीक हैं भाई दोनों. मोबाइल फ्रीक तू अपना जो लगा हुआ है उसमें क्या करे हो भाई. ये देखना दोनों लगे हुए हैं मोबाइल में. मैं तो मोबाइल में नहीं हूँ ना भाई, तुम कैमरा में हो. Yes, my friend. How was the food? Sorry, wrong friend. This friend. It was good. फिर आगे चलते चलते हम पहुंचे मेजर ध्यानचंद चौक पे, जहां से रास्ता जाता था हेरिटेज मार्केट के लिए. और ये हेरिटेज मार्केट की एंट्रेंस है. दोस्तों अभी हम एंटर हो गए हैं हेरिटेज मार्केट के. सॉरी, बड़ी छोटी सी मार्केट है और बड़ा छोटा सा हिल स्टेशन है. लाइक चलते चलते ही ख़त्म हो जाता है, बट जैसा भी हमें अच्छा लग रहा है. शांति है, ट्रैफिक नहीं है, लोग भी ज़्यादा नहीं है और हम आए भी वीकडेज में, तो एंजॉय कर रहे हैं एट द फुलेस्ट. बेसिकली हमने मार्केट में सारी सिर्फ चीज़ें देखी क्योंकि लेने लायक तो हमारे लिए कुछ था नहीं. और मार्केट में आगे चलते चलते हम कुछ फेमस चीज़ें ढूंढ रहे थे यहाँ की, तो हमें मिल गई तन्नू की दुकान, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था यहाँ का बन समोसा और बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा था, तो हमने ट्राई ज़रूर किया. मजाक से हटके कैसे बन समोसा? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. दिल्ली वाला समोसे से हटके या समथिंग डिफरेंट कोई टेस्ट में फर्क, या वही दिल्ली वाला टेस्ट? डिफरेंट डिफरेंट सर. डिफरेंट है? यस सर. यू शुड ट्राई. बन भी डिफरेंट सा है, अलग है. जैसे मुंबई में पाव अलग होता है ना, वो भाई अच्छा टेस्ट है. ट्राई करना कभी कसौली आओगे तो. तन्नू की दुकान, स्पेशल बन समोसा, हेरिटेज मार्केट के एकदम लास्ट में, बट टेस्टी है. ऐसा लग रहा है मिर्च लग रही है इसकी. जरूर आना भाई तन्नू की दुकान. और आगे मुझे भी टैग कर देना. सही लाइन चुराता. चला हमारा भी इंस्टाग्राम हैंडल दे दियो, हमें भी टैग करवा देना. ठीक है भैया. ओके. अमन जैन एडेड पार्ट नागपुर 29. राहुल दीर्घ भी बता दो यार, वो है नहीं हमारे साथ. और यहाँ एंटर किया हमने एक कैफे पे जहाँ होममेड चॉकलेट्स थी. यार रुक जाओ, हर बात पे जल्दी क्यों होती है तुम्हें? लीची जूस कैसे भाई? गुड है. पहले लीची जूस ही पीते हैं. अच्छी है. हमने पैक बहुत सारी करवाई हैं. एक डार्क चॉकलेट है, रमबॉल है, कोकोनट चॉकलेट है. अच्छे यहाँ पे भी आ सकते हो आप लोग, ओल्ड टाउन कैफे. तो आज का दिन होता है समाप्त. और ज़्यादा नहीं घूमे बट हमने बस अपना ट्रैवल एंजॉय किया, मतलब ट्रैवल किया, पीसफुल स्टे एंजॉय किया हमने यहाँ पे आके. तो क्या है एक नई डेस्टिनेशन पे नए लोगों के साथ. हाँ. तब तक के लिए सयोनारा, गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.